अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक नई रेसिपी तैयार हो रही है, जो कि जैसा कि आप लोगों को बताया कि डाइट वाली चीज़ें बनेंगी, तो रोज़े में भी डाइट करनी पड़ेगी। लेकिन ये डाइट की वो चीज़ें हैं जिसे खाकर मज़ा 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 आने वाला है। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी आपी, क्या तैयार कर रही हैं आप? मेरी आपी, आप लोगों की नहीं, आप लोगों में से इनको कोई आप ही नहीं बोल सकता। ये मुझे पहले ही कह रही थी तो मुझे आप ही आपके बोलती रहो, ताकि मुझे सब आप ही बोले। तो और क्या, जब भी तुम मुझे आप ही कहते हो, जो भी होता है वो चाहे जितना भी बड़ा हो, मुझे आप ही कहना शुरू हो जाता कोई बात नहीं, आपकी इज्जत ही मिलती है, इसमें कौन सी बात है। अच्छा जी, बड़ा बड़ा इम्प्रेशन, कोई बात नहीं, हमने इम्प्रेशन लेके क्या करना है। इसमें मैंने ऐड किया है मिल्क क्रीम, दही एंड मेयोनीज। अच्छा, तो मिल्क क्रीम आपने कौन सी ली? मिल्क क्रीम एडम की कोई भी, आप बड़े स्टोर से अच्छी वाली किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। ठीक हो गया, पाबंदी नहीं है जी। और इसके बाद मैंने इसमें ये थोड़ा मैंने पीस के रखा धनिया और पुदीना, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, मैं ऐड करती हूं, वो बताइए। ये मैंने थोड़ा सा जो खीरा है वो इसको कद्दूकस करके रखा है, ये इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और ये क्यों ऐड कर रही हैं आप, किस लिए? फ्लेवर के लिए, ये बहुत अच्छी ड्रेसिंग बनेगी, जिसको आप रेंच बोलते हैं, सैलड के ऊपर यूज कर सकते हैं आप इसको, फिश के साथ, इसको पकौड़ों के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये आलिया की फेवरेट है। यस, ये आलिया की जो भी डाइट बनती है उसमें ये वाली जो रेंच है वो तो समझ लें कि मस्ट है, मस्ट है। इसके बाद हम ऐड करेंगे शहद। ओह अच्छा, आप ये भी ऐड कर, अच्छा मैं कहती थी इसका इतना टेस्ट क्यों आता है। वाओ, शहद हमारे घर में खालिस वाला आता है, तो ये आप लोगों को जो भी समझ आए, शहद आप लोग किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। तो हमारे पास तो वो आता है जो वो पैकिंग में नहीं होता, जो छत्ते पे लगा होता है, वो पूरा छत्ता आता है हमारे घर, तो हम निकाल के फिर उसको बॉटल्स में डाल देते हैं। जी आप ही, और क्या है? थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे आप ही, नमक टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए। अच्छा अच्छा, मैं वैसे नमक से भागती हूँ, मुझे नमक इतना नहीं पसंद। ये पिंक सॉल्ट है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ज़्यादा नहीं, मैं नमक से बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि मुझे नमक से स्वेलिंग हो जाती है जी। ये हमारी तैयार हो गई है रेंच, और ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी है, जो भी खाएगा बस खाता ही जाएगा। और इसको हम कैसे यूज करेंगे वो भी चीजें ले आए, सैलड के ऊपर। हाँ, जो सैलड आप बना रही है ना वो ले आए, मैं कह रही हूँ वो डाइट की सैलड है। और आप लोगों को ये तो सुन के हैरत हुई होगी कि नमक से मुझे स्वेलिंग क्यों होती है, उसकी रीजन ये है कि मैंने 3 साल बॉइल्ड फिश खाई थी बस, क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है, तो फिल्म में मुझे बहुत स्किनी दिखना था, तो मैं क्रेजी हो गई थी अपनी डाइट को लेके, तो वो फिर मुझे उसके बाद नमक मज़े का नहीं लगा। खैर चलो नेक्स्ट। तो आप ही आज एक नई चीज़ मुझे बनाकर देने वाली थी, नई तो नहीं है, खैर मैं तो खाती रहती हूँ, लेकिन हमने सोचा, क्या सोचा आप ही बताइए, कि आज जो है वो फिश फ्राई करके देते हैं, तो मैं डाइट में जो देती हूँ। तो मेरी डाइट की फिश किस तरह से तैयार होती है ये आपको, सबसे पहले मैरिनेट करेंगे और कोई आधा घंटा रखेंगे, फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो चीज़ें हम लोग साथ इसलिए रख देते हैं ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो आपने ये क्या किया है, ये क्या है? ये है बेसन, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया। हमेशा पिंक सॉल्ट यूज़ किया करें। और ये चटनी किस चीज़ की है? ये चटनी, ये भी किसी दिन इसकी भी मैं बना के डालूंगी वीडियो। ये चटनी बहुत ही अच्छी है, मुख्तलिफ स्पाइसेस हैं इसके अंदर, इतनी मज़े की है ये, तो आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप अपने अपने कोकोनट ऑयल में या जो भी आप लोग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें ऐड करके खाएं, हाई स्वाद आ जाता है। तो चलें जी, आप अपनी रेसिपी की तरफ चलें। मैरिनेट करेंगे 1 से 2 घंटे इसको रख के, तो फिर इसको फ्राई करें। मैरिनेट करके दिखाएं, हम आपको मैरिनेट करके दिखाते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। आप ही मिक्स कर लें ऐसे ही। तो आप ही ने फिश के ऊपर मसाला लगाना शुरू कर दिया है, और वो जो चटनी है मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनाते हैं। उसमें डलता है अदरक लहसुन प्याज, नहीं प्याज नहीं सॉरी अदरक लहसुन लाल मिर्च और हल्दी। क्या
मैं एफिशिएंट बनने लगी थी, एफिशिएंसी मारने लगी थी आपसे पहले मैं बता दूं, लेकिन वो टेक टू हो गया। चलिए आप ही बताएंगे। नहीं, नहीं, बताओ, बताओ। तो इसको सबको ना आप ग्राइंड कर ले, और ग्राइंड करने के बाद हल्का सा इसको आप सौते टाइप कर ले और अपने फ्रीजर में डाल दें, फ्रीज करके उसकी पोटलियाँ बना के, ताकि फिर वो जब भी आप निकालें तो पोटली को इस्तेमाल कर लें। वो बड़ा अच्छा रहता है रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि दिल नहीं ना चाह रहा होता कोई भी काम करने को, तो हर चीज़ रेडीमेड करके हम लोग रखते हैं। हम लोग मैंने कब से पहले आप भी बोले हम लोग, मतलब हम आलिया, हम से मतलब आलिया। या यू राइट। यस। तो चूल्हे के ऊपर फ्राइंग पैन रख के इसके अंदर ऑयल डाल दिया गया है। और ऑयल कौन सा डाला आपने? ऑयल है ये कोकोनट ऑयल, जैसे कि हमेशा से यूज़ करते हैं हमारे खानों में। कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया गया है, जो कि मेरा फेवरेट है। फिश उन्होंने अलग से बना कर रख दी थी कोई 10-15 मिनट पहले। अब हमारी फिश को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो गया, तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राई करेंगे हम किस में, वो भी दिखा रही हूँ। साथ रहिए, आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर की जाएगी, और ये हर लिहाज से बड़ी मज़े की भी है और इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। और मेरी आदत है समटाइम मैं चीज़ें साथ बनाते तो थोड़ी चपकी भी रहती हूँ, और मुझे इस चीज़ से बहुत डांट पड़ती है। तो ये बीच में से आपकी थोड़ी सी ये चीज़ें चेंज हुई, लेकिन अभी भी कभी कभी आप लोगों की मेरी आपस की बात है। चले जी, साथ रहिए। पूरे शोर शराबे से धड़ल्ले से आप लोगों को दिखाई जाएगी आज की रेसिपी। साथ रहिए, स्किप नहीं करना, एक भी सेकंड आप लोगों को स्किप नहीं करना, ओके? और मेरी रेसिपी को प्रॉपर गौर से देखना है, और जो वेट लूज करना चाहते हैं, जो अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, वो पोर्शंस के हिसाब से इसको मैनेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ रहिए और इधर आइए, ये देखिए क्या हो रहा है। तो ऑयल हो चुका है गरम, तो इसके अंदर ऐड किया जाएगा फिश को। अभी मैंने इसको कर दिया आपके पूछे बिना, सही किया? हाँ। चले जी, पहली बार आपने कहा तो मैं सही क्यों ना कहती, तुमने खराब कर दिया है। चलें जी, फिश मेरी बन रही है, इसमें से 2 पीस मेरे हैं और 2 आप इनके, लाइक छोटा बड़ा एक मेरा है, छोटा बड़ा इनका है। तो बाकी नेक्स्ट हम क्या करने वाले, क्या कह रही हैं आप? ये बताना जरूरी है कि कौन सा पीस तुमने खाना और कौन सा मैंने खाना? जी मैं इधर ही बताऊंगी, ये पीस मेरे हैं और ये पीस आपके। अस्तफरल्ला, ये जस्ट मजाक, फन, यू नो, फन इज फन। चलें जी, फिश ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है, इसको अभी करेंगे हम क्या, आलिया अब हम इसे डिश आउट करेंगे और फिर इसको फाइनली। ठीक है, डन हो गया। नहीं, मैंने इसको इसी तरह रहने देना था, सॉरी आप ही, मैंने गलत पकड़ा हुआ है ना, वो दूसरा समझ लीजिएगा। तो फिश हो गई है रेडी, क्या हूँ। तो फाइनल मैं फिश को निकालने लगी हूँ प्लेट में, तो मैं इसके साथ करूँगी ताकि नीचे ना गिरे। ओए होए, ये टूट गई है, मुझे डांट पड़ेगी। ओए होए, सॉरी। आप ही, वो आपने कहा था इसको डिश आउट करना, तो मैंने इसको प्लेट आउट कर दिया है, आई होप यू डोंट माइंड ना। चलें जी, मैंने इसको प्लेट में लगा दिया है, और ये साथ मैं लेटस और सैलड पत्ते भी खाऊंगी। ये मेरा डिनर है प्रॉपर, बस यही डिनर में मिलेगा। इसके साथ आप ही ने आप लोगों को रेंच बनानी भी सिखाई थी, और इसके साथ रेंच खाई जाएगी। इसको कर दो, रेंच को लगा दूँ? हैं, अच्छा आप ही कह रही हैं कि इस रेंच को इसके ऊपर लगा दो ऐसे ऐसे करके, क्योंकि सम टाइम मुझे ये इसमें देती है ना, तो मैं ज़्यादा सारा खा जाती हूँ, तो इसलिए मुझे पूरा पूरा मिलता है जो मेरे मिली। फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है इसमें, विटामिंस बहुत ज़्यादा हैं, हर लिहाज से ये बेनिफिशियल है। सो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की। और आप ही, आप चटनी कब सिखा रही हैं इनको वो वाली? मैं इंशाल्लाह जल्दी, तो जल्द ही आप ही आप लोगों को चटनी भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और ये फिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन एक आध पीस खाइएगा, ज़्यादा नहीं।